हिमाचल प्रदेश सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक 24 दिसंबर को धर्मशाला में होगी। सूत्रों के अनुसार जहां इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर जिम्मेदारियां सौंपने के बारे में फैसला लिया गया है, तो वहीं कई और भी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आने के कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश सरकार के एक साल के सफल कार्यकाल के मौके में आयोजित रैली में भाग लेने धर्मशाला आ रहे हैं। इस मौके पर वे पुलिस मैदान धर्मशाला में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे समारोह में प्रदेश सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों पर बनाई गई लघु फिल्म भी देखेंगे। 27 दिसंबर को दोपहर 12 बजे रैली स्थल पर पहुंचेंगे और 3 बजे तक कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। हमारी पूरी तैयारी है। आज हमारे रिजल्ट निकले हुए, आज एक साल पूरा हुआ। आज के दिन पूरे हिमाचल प्रदेश में मतगणना के बाद मतों की गिनती थी और अभी तक जो है वो हिमाचल प्रदेश में सरकार के गठन की प्रक्रिया की दृष्टि से जो चुनाव का परिणाम आना था वो पूर्ण हो चुका था। और आज पोर्टमोर स्कूल में आए और सुरेश भारद्वाज जी की तो मतों की गिनती भी शायद यहीं पर हुई है। तो आज इसलिए आज का तारीख इनने आज की डेट यहाँ विशेष तौर से इनने यहाँ निकाली हुई लगता मुझे। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश सरकार का एक साल का कार्यकाल जो पूरा होने जा रहा 27 तारीख को सरकार के गठन का, उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी आने वाले हैं, उनका आशीर्वाद मिलेगा और हिमाचल प्रदेश में तेज गति से हम आगे काम कर पाए उस दृष्टि से जो है बहुत बड़ा सहयोग केंद्र की ओर से रहा है पहले भी और आगे भी मिलेगा। एन स्टार न्यूज के लिए शिमला से रमेश वर्मा की रिपोर्ट।